हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो पर मैं आप सभी को ऑरेंज टोन फोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूँ, वो भी कुछ इस तरह से। गाइस, इस तरह से फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ताकि आप कुछ इस तरह से अपने फोटो को आप बिल्कुल अच्छे से आप एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से फोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आपको यहाँ से अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस शेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने फ़ोन पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इस फ़ोटो को आपको ऐड कर लेना है। देन ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ से अपने फ़ोन पे लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से अल्स फोटो पे आपके यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड अल्स फोटो पे क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से अपने फोटो को इस फोटो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस लाइट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड लाइट ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस टूल पे क्लिक कर लेना है एंड इस टूल पे क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे एंड एडजस्ट हो जाने के बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस, डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस टेम्परेचर टूल पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से वाइब्रेंस को हम इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से इस मिक्स टूल पे सिंपली क्लिक कर लेना है एंड मिक्स टूल पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से सबसे पहले इस कलर को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे एंड इसका सेचुरेशन को हम यहाँ से माइनस की ओर कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका हम सेचुरेशन को माइनस की ओर कर लेंगे एंड आपके यहाँ से लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना है। देन आपके यहाँ से ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका ह्यू को आपके यहाँ से -100 कर लेना है एंड आपके यहाँ से सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से लुमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से येलो कलर पर चले जाना है एंड येलो कलर पे आने के बाद आपको इसका भी ह्यू को आपके यहाँ से -100 की ओर कर लेना है एंड इसका सेचुरेशन को आपको यहाँ से -7 के आसपास रख लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से सिंपली डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से ओके कर लेना है एंड ओके कर लेने के बाद आपके यहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे आपके यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड इस फोटो को आपके यहाँ से डिलीट कर लेना है एंड इतना कुछ हो जाने के बाद आपके यहाँ से इस प्लस चिन्ह पे आपके यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो के आएगी। तो गाइस, आपके यहाँ से इंटरफेस ऐसे ओपन होने के बाद आपको इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जो आप अभी एडिट किए होंगे उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपके यहाँ से इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आपके यहाँ से इस फोटो को हम ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगी। तो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से टेम्परेचर टूल पे हम क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से मिक्स टूल पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से येलो कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड येलो कलर का आपके यहाँ से ह्यू को -100 कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से फिर से शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सिंपली सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से ओके कर लेना है। तो गाइस, हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।